आदरणीय सभापति जी, चुनाव के दरमियान मैं देशवासियों को कहता था कि जो 10 साल हमने काम किया है, हमारे जो सपने और संकल्प है उसके हिसाब से तो ये एपेटाइजर है, मेन कोर्स तो अभी शुरू हुआ। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल मूल सुविधाओं के सैचुरेशन के और हम एक सामान्य नागरिक की जो रोजमर्रा की जिंदगी की आवश्यकताएं होती है, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जिन व्यवस्थाओं की, जिन सुविधाओं की, जिस प्रकार के गवर्नेंस की आवश्यकताएं होती हैं, हम इन मूलभूत सुविधाओं के सैचुरेशन का युग के रूप में उसको परिवर्तित करना चाहते हैं। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 वर्ष गरीबों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के हैं। आने वाले 5 वर्ष गरीबी के खिलाफ गरीबों की लड़ाई, और मैं मानता हूं गरीब जब गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लिए एक सामर्थ्य के साथ खड़ा हो जाता है, गरीबों की गरीबी के खिलाफ की लड़ाई सफलता को प्राप्त करती है। और इसलिए आने वाले 5 साल गरीबी के खिलाफ लड़ाई के निर्णायक वर्ष है, और यह देश गरीबी के खिलाफ लड़ाई में विजयी होकर के रहेगा। ये पिछले 10 साल के अनुभव के आधार पर मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूं। आदरणीय सभापति जी, जब देश दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा तो इसका लाभ, इसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ने वाला है। विकास के, विस्तार के अनेक अवसर उपलब्ध होने वाले हैं, और इसलिए जब हम दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेंगे, तब भारत के हर स्तर पर सकारात्मक प्रभाव तो होगा, लेकिन वैश्विक परिवेश में अभूतपूर्व प्रभाव पैदा होगा। आदरणीय सभापति जी, हम आने वाले कालखंड में नए स्टार्टअप का, नई कंपनियों का वैश्विक उभार देख रहे हैं, और मैं देख रहा हूं कि आने वाले कालखंड में हमारे टियर 2 टियर 3 सिटीज भी ग्रोथ इंजन की भूमिका में देश में बहुत बड़ा। आदरणीय सभापति जी, ये शताब्दी टेक्नोलॉजी ड्रिवन शताब्दी, और इसलिए हम कई नए सेक्टर्स में नए फुटप्रिंट्स भी अवश्य रूप से देखेंगे। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में
बहुत तेजी से बदलाव आने वाला है और इसका लाभ भारत के कोटि कोटि जनों को जन्म से जन्म मिले, उस दिशा में हम गंभीरता से आगे बढ़ना चाहते हैं। आदरणीय सभापति जी, भारत की विकास यात्रा में हमारे छोटे शहर, चाहे खेल जगत हो, चाहे शिक्षा जगत हो, चाहे इनोवेशन हो, चाहे पैटर्न की रजिस्ट्री हो, मैं साफ कह रहा हूं कि हमारे छोटे छोटे शहर, हजारों की तादाद में से शहर, भारत में एक विकास का नया इतिहास गढ़ने वाले हैं। आदरणीय सभापति, मैंने पहले भी कहा है कि भारत के विकास यात्रा में चार प्रमुख स्तंभ, उसका सशक्तिकरण, उनको अवसर, ये बहुत बड़ी ताकत देने वाले हैं। शांति के साथ आदरणीय सभापति जी, हमारे देश के किसान, हमारे देश के गरीब, हमारे देश के युवा और हमारे देश की नारी शक्ति, आदरणीय सभापति जी, हमने हमारी विकास यात्रा, हमारा जो फोकस है उसको हमने रेखांकित किया है। आदरणीय सभापति जी, यहाँ भी कई साथियों ने खेती और किसानी को लेकर के हर एक ने विस्तार से अपने विचार रखे हैं और अनेक बातें सकारात्मक रूप से भी रखी है। मैं किसानों को लेकर सभी सदस्यों को और उनकी भावनाओं का आदर करता हूं। बीते 10 वक्त में हमारी खेती हर प्रकार से लाभकारी हो, किसान को लाभकारी हो, उस पर हमने हमारा ध्यान केंद्रित किया है। अनेक योजनाओं से उसको हमने ताकत देने का प्रयास किया है, चाहे फसल के लिए ऋण हो, नए बीज किसानों को उपलब्ध हो, खाद की कीमत उचित हो और फसल बीमा का लाभ पहले की सारी मुसीबतें दूर करते थे, किसानों को सहायता से व्यवस्था को बहुत माइक्रो प्लानिंग के साथ मजबूती देने का भरपूर बरसक प्रयास किया है और व्यवस्था को हमने चाक चौबंद किया है। आदरणीय सभापति जी, पहले हमारे देश में छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड लोन पाना करीब करीब न के बराबर था, बहुत मुश्किल जबकि उनकी संख्या
कारण आदरणीय सभापति हमने किसानी को एक व्यापक स्वरूप में देखा और उस व्यापक स्वरूप में हमने किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का हमने लाभ मुहैया कराया है। हमारे किसानों का खेती के काम को उसके विस्तार को भी मजबूती दी है। किसानों के हमने काम आदरणीय सभापति कांग्रेस के कार्यकाल में 10 साल में एक बार किसानों की कर्ज माफी की बहुत डोल चुके गए और एक बढ़ करके बातें बता करके किसानों को गुमराह करने का और सब प्रयास किया गया करोड़ की कर्ज माफी उसका इतना हल्ला मचाया था और एक अनुमान था उसके लाभार्थी करीब देश के 3 करोड़ किसान थे। सामान्य गरीब छोटे किसान का तो उसमें नामो निशान नहीं था। जिसको सबसे जरूरत थी इसकी उनकी योजना में कोई परवाह नहीं थी और उन तक कोई लाभ पहुंच भी नहीं पाया था। लेकिन आदरणीय सभापति जी, जब किसान कल्याण हमारी सरकार के हृदय में केंद्र में हो तो नीतियां कैसी बनती हैं, कल्याण कैसे होता है, लाभ कैसे पहुंचता है, उसका मैं इस सदन को उदाहरण देना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना चलाई और पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अप्रोप्रिएट 10 करोड़ किसानों को हुआ अनपार्लियामेंट्री प्रैक्टिस और 6 साल में हमने प्लीज टेक योर सीट 3 लाख करोड़ रुपए टू टेक देयर सीट हम किसानों को दे चुके हैं। इज अनबिकमिंग ऑफ योर कॉन्डक्ट आदरणीय सभापति जी, अनबिकमिंग ऑफ योर कॉन्डक्ट। आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं, इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हर प्रकार से उनको इतना पराजित कर दिया है कि अब उनके पास
गली मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ बचा नहीं। नारेबाजी, हो हल्ला और मैदान छोड़ के भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा हुआ।